हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, अगर आप मेरे से पूछोगे ना कि एमसी और डीसी में से मुझे ज्यादा कैरेक्टर्स कौन से अच्छे लगते हैं, तो वो हैं दोस्तों, बता दूं, मुझे डीसी ज्यादा पसंद है। मार्वल भी मैं देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ थोड़ा अनबायस तरीके से बताऊं कि मुझे ज्यादा कैरेक्टर्स कौन से ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो शायद डीसी के लगते हैं। वो शायद इसका रीजन ये भी हो सकता है कि जिस उम्र से मैं निकल के आया हूँ वहां पर, तब डीसी के कैरेक्टर्स ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे। तो दोस्तों, अब डीसी की अगर मूवी आए और ना देखे तो ऐसा तो बनता नहीं, और ऊपर से थिएटर्स खुल गए हैं तो थिएटर्स में जाके देखो। नारायणा में मैंने जाके ये दोस्तों मूवी देखी, द सुसाइड स्क्वाड। और दोस्तों, मुझे को ना मजा ही आ गया इसको देख के, क्योंकि इस मूवी के अंदर मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर करा। क्योंकि इस पहले तो इसका कॉन्सेप्ट ही अलग है कि आप ग्रे शेड्स के कैरेक्टर्स को अब जो है मतलब विलन से ऑलमोस्ट हीरो बना रहे हो, उनको ऐसा पर्पस दे देते हो लाइफ के अंदर कि बेटा अगर तेरे को पढ़े नहीं रहना ना प्रिजन के अंदर, तो बेटा तू बाहर निकलने के लिए ज्वाइन द टास्क फोर्स, जिसको यहाँ पर ये लोग टास्क फोर्स एक्स बोल रहे हैं। और बोला जाता है कि एक बहुत बड़ी स्टार फिश है। इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, आपको खुद एक्सप्लोर करना है। बट हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि जो सेट ऑफ विलन आते रहते हैं वो छोटे से बड़े से फिर सबसे बड़ा वाला विलन सबसे एंड के अंदर आता है, तो वो मजा बना रहता है। हालांकि जो कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर वो बहुत सारे हैं, मतलब अगर आपको लगता है कि ब्लड स्पोर्ट के अलावा जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसके अलावा दो चार ही कैरेक्टर होंगे, तो आप बिल्कुल ही गलत फहमी में हैं। इसके अंदर आपको डीसी के बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स पता चलेंगे जो शायद आपने सोचे भी नहीं होंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, कैप्टन ब्लूमबर्ग आपके ने नहीं सुना होगा, वो पोलका डॉट मैन के बारे में नहीं सुना होगा, शार्क मैन का तो अपने चलो ट्रेलर में बहुत कुछ देख लिया होगा, पीस मेकर हो गए, फिर सेवेंट हो गया, फिर और कौन था उसके अंदर एक पोलका के अलावा, अरे सबसे बढ़िया जो सनकी मैडम हर्लेस क्विन, दोस्तों उन्होंने जो एक्टिंग करी है मतलब मजा आ गया। हालांकि उनका रोल इतना ज्यादा बड़ा नहीं जितना ट्रेलर के अंदर दिखाया गया है, बट जितने भी सीन के अंदर वो आई है वो पागलपन लेके आई है, बिल्कुल साइको बेटा वो औरत, तो वो देखोगे आपको बहुत मजा आएगा। तो बेसिकली इनको एक मिशन में भेज दिया जाता है और बोला जाता है कि द ओनली वे दैट यू कैन गेट आउट ऑफ द प्रिजन नाउ इज दैट सर्विंग द नेशन, एंड सर्विंग द नेशन इज थ्रू ज्वाइनिंग दिस फोर्स व्हिच इज कॉल्ड द टास्क फोर्स एक्स, जाके मिशन में कामयाब हो। और इसको सुसाइड स्क्वाड इसलिए माना जाता है क्योंकि जिस तरीके की इनको डिस्क्रिप्शन दी जाती है वो क्लियरली बोल दिया जाता है कि बेटा वहां जाके मरोगे ही, तो देखो पागल तुम हो और पागल लोगों की ही जरूरत है, और पागलों से ही शायद ये मिशन कंप्लीट हो पाएगा। ये वन ऑफ द रीजन होता है इनको लाने का। और जेम्स गन जो कि इसके डायरेक्टर है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ना हर एक कैरेक्टर की लेयर को एक्सप्लोर किया है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लोर किया है। और उसके बाद एक चीज बड़ी अच्छी हुई है दोस्तों कि कई बार क्या होता है कि जब इतनी बड़ी सुपर हीरो नहीं बोलना चाहिए, सुपर विलन्स की अगर कास्ट हो ना, तो क्या होता है कि आप एक के ऊपर ज्यादा फोकस कर लेते हो, दूसरे के ऊपर ज्यादा फोकस कर देते हो, और बाकी समझ में नहीं आते क्या होगा। तो इसके अंदर दोस्तों सब पे प्रॉपरली फोकस किया गया। फॉर एग्जाम्पल, पोलका मैन का जो वल्नरेबिलिटी है और उसकी बैक स्टोरी क्या है वो सब आपको पता चलता है। इनफैक्ट स्टोरी भी आगे पीछे ना बार बार होती रहती है टू बिल्ड मोर कॉन्टेक्स्ट एंड वेट टू द स्टोरी, तो काफी ज्यादा अच्छी लगी। काफी ब्रूटल है ये, अच्छी खासी ब्रूटल है। और ब्रूटल के अंदर मैं बोलूंगा पता नहीं कहां कहां से तरीके ढूंढ के लेके आए लोगों को मारने के लिए, और अच्छी खासी है। और वो शार्क भैया भी मतलब काफी फनी भी है, वो काफी ज्यादा ब्रूटल भी हो जाते हैं, वाइल्ड भी हो जाते हैं, और इनके आपस का जो बैंटर है वो भी आपको अच्छा लगेगा। साथ ही साथ में जो कैरेक्टर्स, एक चीज अच्छी लगी मेरे को, कहीं ना कहीं आपको ये वाइब आएगी कि ये सारे ना आपस में एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन एंड में क्योंकि सबको प्रिजन से बाहर आना है तो कहीं ना कहीं टीमिंग अप का भी आपको दिखेगा, इनडायरेक्टली दिखना शुरू होगा, फिर एक्सप्लिसिटली भी थोड़ा सा हो जाएगा, वो आप खुद एक्सप्लोर करो। बैक एंड फोर्थ जैसे मैंने बोला ये चलती रहती है, तो बहुत मजा आएगा। एक्शन बहुत ज्यादा कमाल के हैं, ब्रूटल है, आप काउंट नहीं कर पाओगे कितने अलग अलग तरीके से वो लोगों को मारते हैं। 2.25 घंटे की मूवी है, तो मजा आता है दोस्तों, काफी अच्छे तरीके से होती है। और बैक एंड फोर्थ भी जब होती है ना, तो बहुत सारी बार क्या होता है कि आपने बैक एंड फोर्थ किया, आप स्टीन स्टिच कर रहे हो अपने दिमाग में, अच्छा ये तब हुआ होगा, ये तब हुआ होगा। बट यहाँ पर क्या, उन्होंने ना कुछ अलग अलग ट्रांजिशन यूज करी है, कहीं टेक्स्ट का यूज कर लिया, कहीं रेफरेंस पॉइंट का यूज कर लिया, तो लिखा हुआ ही आ जाता है कि कौन से पॉइंट पे हो, कहाँ हो, चाहे आगे पीछे भी हो रही हो, तो आपको लगता है कि ठीक है, नहीं मैं कंट्रोल में हूँ, मुझे आगे पीछे का समझ में आ रहा है। और इसकी जो जान है दोस्तों, इसकी वो है दोस्तों गाने,
गाने लाजवाब हैं, म्यूजिक लाजवाब है, बैकग्राउंड तो ऐसा है कि मतलब रोंगटे खड़े कर देता है, मजा आ जाता है। और ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि सबको इक्वल स्पेस मिला है। मेरे को ये चीज थोड़ी सी घबराहट थी इस चीज को लेकर। दूसरा मुझे घबराहट थी कि मैं एंटी हीरोज को देख रहा हूँ तो क्या मैं ज्यादातर विलन्स को देखूंगा कि कहीं ना कहीं उनके अंदर हीरोइज्म भी देखूंगा। तो सारे कैरेक्टर्स के अंदर चाहे जेवलिन का भी कैरेक्टर है उसको भी देखोगे स्पेसिफिकली, मैं उसके बाद इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उनके आप वल्नरेबिलिटी भी देखोगे, उनके नेगेटिव शेड्स भी देखोगे और आप उनके पॉजिटिव शेड्स भी देखोगे। तो अल्टीमेटली उनको मिला के ना बोलोगे नहीं 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 ये तो लोकी की तरह ग्रे शेड्स हैं और ये जो आज बने हैं दैट इज नॉट बिकॉज दे आर बैड पीपल, बिकॉज द सर्कमस्टेंसेज वर बैड। तो बहुत ब्यूटीफुल राइटिंग है, बहुत बढ़िया लगी मुझे, जल्दी जल्दी चलती है, इतने सारे कैरेक्टर फटाफट चलती है और आप बिल्कुल एंगेज रहते हो और उसके बाद बोलते हैं यार इतनी जल्दी खत्म हो गए। तो बहुत मजा आया, आप भी देखो, थिएटर में जरूर देखना यार अगर जा सकते हो तो। वैसे भी मेरे को तो कोई खतरा लगा नहीं थिएटर जाने के लिए, अभी कहना नहीं चाहिए, बट चार पांच ही लोग थे मेरे को मिला के, तो मैं तो थोड़ा सैनिटाइजर वगैरह लगा के, ग्लव्स पहन के, रबर ग्लव्स पहन के पहुंच गया, मैंने देख ली। आप भी देखो, आपको मजा आएगा। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड वी शैल मीट वेरी वेरी सून। नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार।